नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 6 महीने से 1.5 साल के बेबी के लिए बेबी स्वेटर लाई हूँ। इसके लिए मैंने 12 नंबर की सिलाई ली है और 61 फंदे डाले हैं और 8 लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारी सामने से और 4 पीछे से आई है और ये 9th रो है। अब हम इसमें इसे 5 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 61 फंदों को हम इस तरह बांटेंगे। सात फंदे हमारे बॉर्डर के रहेंगे, 6-6 फंदे फ्रंट के, 6-6 फंदे दोनों आस्तीन के और 19 फंदा बैक का। यानी 61 फंदों में 7 फंदा बॉर्डर का, 6 फंदा फ्रंट का, 1 फंदा ये हमारा फर्स्ट डिवाइडर, 6 फंदा आस्तीन का, 1 फंदा सेकंड डिवाइडर, 19 फंदे बैक के, 1 फंदा थर्ड डिवाइडर, 6 फंदा आस्तीन का, 1 फंदा फोर्थ डिवाइडर, 6 फंदा सेकंड फ्रंट पार्ट का और 7 फंदा हमारे बॉर्डर का। तो 61 फंदों को हमने इस तरह बांटा है। अब हम अपना सिलाई चेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा, अगले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर उन सिलाई में ऐसे चढ़ा के लाएंगे हम और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। 2 का एक किया, एक उल्टा फंदा और फिर 2 फंदे उल्टे, तो ये हमारे हो गए 7 फंदे बॉर्डर के। हमने 2 का एक किया और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया, तो हमारे टोटल जितने फंदे थे वापस उतने ही हो गए। अब हम इसे उनको दूसरी ओर करेंगे और यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और 2 फंदा सीधा, 3रे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा और 3रे फंदे को स्लिप करेंगे, तो ये हमारे 6 फंदे हो गए फ्रंट के। अगला फंदा हमारा ये फ्रंट, अगला फंदा ये हमारा फर्स्ट डिवाइडर है, तो उन अपनी ओर करेंगे और सीधा बुनते हुए चाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे। इस फंदे के हमें दूसरी तरफ भी जाली देना है, तो जाली देते हुए 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1-2, 3रे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, 1-2 और 3रे फंदे को स्लिप करेंगे, तो ये हमारे 6 फंदे हो गए आस्तीन के। अब ये हमारा सेकंड डिवाइडर है, तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा, 1-2, अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1-2, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1-2, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, 1-2, 2 फंदा सीधा बुनेंगे और 3रा फंदा स्लिप कर लेंगे। तो ये 18 फंदे हमारे बैक के हो गए और एक फंदा और हमें, 19 फंदा हमारा बैक का है, तो एक फंदा और हमने सीधा बुन लिया। अब इस फंदे के, ये थर्ड डिवाइडर है, इस फंदे के हमें दोनों तरफ जाली देना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1-2, अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1-2, ये हमारा
अगला फंदा स्लिप करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड आस्तीन हो गया। अब ये हमारा फोर्थ डिवाइडर है, तो इसके लिए ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक दो, अगला फंदा स्लिप करेंगे। अब चूंकि सात फंदे बचे हैं और ये हमारा बॉर्डर है, इसलिए अब यहाँ पे हम अपना बॉर्डर के लिए ऊन अटैच कर लेंगे और इन सातों फंदों को उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, उन दूसरी ओर करेंगे और अब सभी फंदे उल्टा बनाएंगे। बॉर्डर के पहला फंदा स्लिप करेंगे, बॉर्डर के छह फंदे उल्टे, तो ये टोटल सात फंदे हो गए। अब ये हमारा पैटर्न है, तो यहाँ पे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और उनको दूसरी ओर करेंगे। अब हमारा ये रेड कलर से बुना गया है, इसलिए अब रेड कलर के ऊन से बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे और ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर देंगे, बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा डिवाइडर है, तो डिवाइडर के दोनों तरफ जो फंदे हैं यानी जाली है, इसे हमें उल्टा बुनना है। तो ये तीन फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, डिवाइडर और उसके दोनों साइड का जाली हम उल्टा बुनेंगे और उसके बाद जो हमारा पैटर्न है उसे हम कायम रखेंगे। अब दो फंदे सीधा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे सीधा, तो ये आस्तीन हमारा बुन गया। अब देखिए, ये फिर हमारा ये डिवाइडर आ गया, तो डिवाइडर और उसके दोनों साइड वाले फंदे हमें उल्टा बुनने हैं, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और इन तीनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम हमारा ये पैटर्न आ गया, तो इसे हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे और जाल बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे। तो हमें बुने हुए फंदे सीधा बुनने हैं और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, लेकिन डिवाइडर और उनके दोनों साइड वाले जाली को हमें उल्टा बुनना है। यहाँ पे हम सभी फंदे सीधा बुन रहे हैं, लेकिन जब डिवाइडर आएगा और उसके साइड वाले दोनों जाली को हम उल्टा बुनेंगे। अब हम देखिए बॉर्डर के पास आए हैं, तो इन दोनों फंदों को हमें ऐसे उनको हमें क्रॉस करना होगा ताकि ये आपस में बंध जाए और फिर सभी फंदे बॉर्डर वाले उनके कलर से उल्टे। तो ये हमारा दो लाइन कंप्लीट हो गया। अब बॉर्डर के बाद ये हमारा दो लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम बॉर्डर बुन लेंगे, यानी कि सात फंदे उल्टे। अब यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे, तो तीसरे कलर के उनसे ये पहला फंदा जो है हम इस बॉर्डर वाले उनको दूसरी तरफ करेंगे, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे और ये बुना हुआ दूसरा फंदा इसे हमें स्लिप करना है, फिर स्लिप किया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, ये दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये बुना हुआ दूसरा फंदा है, इसे हम स्लिप करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और ये नेक्स्ट फंदा इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। ये जाली वाला फंदा था, अब वो डिज़ाइन में आ जाएगा। अब देखिए, ये डिवाइडर आ गया, तो इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा, अगला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो इसे हम स्लिप करेंगे और देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसे और इसके आगे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दो बुने हुए फंदों में से दूसरा फंदा हमें स्लिप करना है।
और स्लिप किया हुआ फंदा, और उसके नेक्स्ट वाला फंदा हमें सीधा बुनना है। अब देखिए ये हमारा डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा। अब देखिए हमें दूसरे वाले फंदे को स्लिप करना है, यानी कि ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे और इसे स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, फिर हमें स्लिप करेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे, अब स्लिप किया हुआ फंदा और इसके आगे वाला फंदा, इसे हम सीधा बुनेंगे और देखिए दो बुने हुए फंदों में से दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, बुने हुए फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, दूसरे फंदे को हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, बुने हुए फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा। अब देखिए इसे हमें स्लिप करना है और यहाँ पे डिवाइडर आ गया, यानी कि ऊन अपनी ओर करेंगे और डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली दे देना है और दो फंदे में से दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे, यानी कि इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पांच फंदे हो गए, लेकिन ये तीन फंदे साइड के और दो फंदे डिज़ाइन के। यहाँ पे जब आप अगला कलर लगाएंगे तो अपने आप ही पैटर्न सेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ चिंता मत कीजिएगा, डिज़ाइन बस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये दूसरा फंदा है तो इसे स्लिप करेंगे और अगला दो फंदा सीधा, दूसरा फंदा इसे स्लिप करेंगे, अगला दो फंदा सीधा। अब यहाँ पे डिवाइडर आ गया, इसके दोनों साइड में हमें जाली देना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा। अब देखिए ये दूसरा फंदा है, यानी इसे ही हमें स्लिप करना है, तो इस वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, इसे स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधा, इसे स्लिप करेंगे, और ये हमारा पैटर्न का फंदा था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये सात फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, तो इन दोनों ऐसे धागों को ऐसे आपस में क्रॉस कर लेंगे ताकि ये बंध जाए और बॉर्डर वाले ऊन के कलर से बॉर्डर को हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बॉर्डर वाले फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर वापस इन दोनों धागों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे ताकि ये आपस में बंध जाए। अब उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को हमें सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये जाली का फंदा आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली का फंदा हमेशा उल्टा ही बुनेंगे और ये डिवाइडर है तो इसे भी उल्टा, यानी तीन फंदे ये उल्टे हो जाएंगे, बाकी फंदे सीधे। डिवाइडर और उसके दोनों तरफ का जो जाली है उसे हमें उल्टा बुनना है और पैटर्न के फंदे को हमें सीधा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और पैटर्न के फंदे को सीधा। और देखिए ये डिवाइडर आ गया, उसके दोनों साइड वाले जाले तो उसे हम उल्टा बुनेंगे। बस इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है, तो मैं ये लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब फिर हम अपने बॉर्डर वाले पहले रंग से, यानी बॉर्डर वाले उनसे बुनाई करेंगे, तो बॉर्डर के सात फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, तीन चार पाँच छ सात, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये जो है एक ही फंदा है, यानी कि ये दूसरा फंदा है, तो इसे हमें स्लिप करना है। ये देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसे हमें सीधा बुनना है और इसके बाद वाला फंदा हमें सीधा बुन लेना है। अब दो फंदों में से ये दूसरा फंदा है तो इसे हमें स्लिप करना है और नेक्स्ट दो फंदे सीधे, अब इसे हमें स्लिप करना है और
देखिए ये जाली वाला फंदा है तो इसे हम सीधा बना लेंगे। और अब ये हमारा डिवाइडर आ गया, यानी कि इसके पहले हमें जाली देना है और डिवाइडर को सीधा बना लेंगे। और डिवाइडर के दूसरी तरफ भी जाली रहेगा, इसलिए उनअपनी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा भी सीधा, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा सीधा। तीन ही फंदे का ये डिज़ाइन है, दो फंदा सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है, दो फंदा सीधा बुनना है और अगले फंदे को स्लिप करना है। अब ये हमारा जाली आ गया तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, और डिवाइडर है तो इसके पहले हम जाली दे देंगे। डिवाइडर के दोनों तरफ हम जाली देंगे। अगला फंदा देखिए, अब दो ये पे दो फंदे हैं, यानी कि ये वाला फंदा हमें स्लिप करना है, ये फंदा हमें बुनना है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा। तो तीन ही फंदे का ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन बहुत ही आसान है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो दो फंदे हम बुन रहे हैं अगली रंग के, उनसे बुनते समय उसे हमें दूसरे वाले फंदे को स्लिप करना है, और स्लिप किए हुए फंदे और उसके नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है, और डिवाइडर को सीधा बुनना है, उसके दोनों तरफ हमें जाली देना है। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, और डिवाइडर और उसके दोनों तरफ की जाली को हमें उल्टा बुनना है। तो डिजाइन अब देखिए, ये डिवाइडर है तो इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है। और उसके बाद अपने पैटर्न को कायम रखना है। अब ये बॉर्डर के फंदे आ गए तो उन अपनी ओर करेंगे और इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे, देखिए बॉर्डर के सभी फंदे उल्टे, और डिवाइडर और उसके दोनों तरफ की जाली को उल्टा बुनेंगे, और शेष बुने हुए फंदे जो पैटर्न के फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे, और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बॉर्डर के फंदे हमने उल्टे बुन लिए, अब उनको दूसरी ओर करेंगे। देखिए अब हम अपना दूसरा कलर लेंगे और दो फंदों को सीधा बुनेंगे, और सीधा बुनने से पहले हम धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। दो फंदा सीधा बुनेंगे, ये दूसरा डिजाइन का दूसरा फंदा है तो इसे हम स्लिप करेंगे, और ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा, तो इसे और इसके आगे वाले फंदे को सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा। अब ये देखिए इसे हम स्लिप कर लेंगे, ये जाली का फंदा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब उनको अपनी ओर करेंगे, ये हमारा डिवाइडर है तो इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को सीधा। अब ये दूसरा फंदा है, इसे स्लिप करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और इसके नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही दो फंदे को सीधा बुनते हुए और तीसरे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली दे देंगे। अब फिर हम सामने की तरफ हैं, बॉर्डर के फंदे बुन लिए गए हैं, और अब हम अपने तीसरे कलर से बुनाई करेंगे। तो तीसरे रंग के ऊन से पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे,
तीन ही फंदे का ये डिज़ाइन है और इन्हीं तीनों फंदों को हमें पूरे लाइन में दोहराना है। अब देखिए ये डिवाइडर आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा और डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये दूसरा फंदा है तो इसे हम स्लिप करेंगे। तीनों कलर्स को क्रम से दोहराते हुए मैंने 5.5 इंच कंप्लीट कर लिया है और अब इसका बांह बुनेंगे और दोनों बांह कंप्लीट हो जाने के बाद आगे और पीछे का पोर्शन एक साथ मिला के लंबाई पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।